दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दिलीप सोनी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग बनाएंगे पुलाव और चिकन का रेसिपी। तो अभी हम लोग कुछ मार्केट से सामान खरीदने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। लड्डू भैया, आज थोड़ा पुलाव बनाना है, तो कौन चावल अच्छा है दीजिएगा? बिरयानी में बिरयानी चावल फॉर्चून है ना, फॉर्चून दे दीजिए। तो लड्डू भैया का दुकान है यहाँ, इन्हीं से ले रहे हैं अभी सामान। अच्छा, कितना का है? 130 का है, ठीक है। 1 kg है ना, बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 kg में हो जाएगा। काजू भी दे दीजिएगा भैया। हाँ, काजू भी मिल गया है। हाँ, गरम मसाला लड्डू भी है, दही भी दे दीजिएगा ना। वो सही होगा। 400 ग्राम वाला, मतलब वही हो गया पुड़िया वाला। तो 400 ग्राम वाला दही खत्म। हाँ, छोटा ही वाला दीजिए। दही चिकन मैरिनेट करने के लिए एक में हो जाएगा ना। लीजिए। अच्छा, पोलोथीन नहीं लेना है ना? पोलोथीन तो बंद हो गया है। चलिए ठीक है। लड्डू भैया का दुकान आइए, एकदम आपको मतलब जो वाजिब दाम है वही मिलता है यहाँ। क्या भैया, सब सामान मिल जाता है ना? किराना का लगभग सब सामान है इनके पास, आइसक्रीम से लेके चावल दाल सारा कुछ। चलिए, दूध दही सब मिलेगा। तो गाइस, हमारा चिकन आ चुका है और इसको हम लोग अच्छे से साफ से धो लिए हैं। अब इसको हम लोग करेंगे मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी, हाँ ये हो गया हल्दी। इसमें धनिया का पाउडर जाएगा, फिर इसमें जाएगा ब्लैक पेपर है, ये ब्लैक पेपर मतलब गोलकी, ये किया। उसके बाद इसमें जाएगा जीरा, जीरा हीरा इतना सारा, ये जीरा हो गया। उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग ये दही। दही कितना डाल रहे हैं? पूरा? हाँ, ये तो इतना काफी है, इसे इतना डाल देते हैं। 100 ग्राम है ना? और फिर इसमें डालेंगे हम लोग चिकन मसाला। चिकन मसाला डाल देते हैं। आज हमको बहुत मेहनत वाला काम मिला है इधर, लहसुन छीलने का। देख रहे हैं ना, इतना सारा हमको भी भिंगा के रखे हैं ताकि जल्दी छिला जाएगा। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसमें फिर डाल लेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। सब डल चुका है, अब इसको हम लोग करेंगे मैरिनेट। और मैरिनेट करने के बाद इसको हम लोग को आधा घंटा के लिए रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम लोग इसका सब्जी बनाएंगे। तो ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, इसको आधा घंटा के लिए रख देते हैं। जब तक मैरिनेट होगा तब तक हम लोग चलते हैं पुलाव बनाने। तो पुलाव बनाने के लिए हम लोग 1 kg चावल लिए हैं और इसको हम लोग अच्छे से धो लिए हैं ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। अब चलते हैं पुलाव बनाने। तो गाइस, हम लोग यहाँ बर्तन चढ़ा लिए हैं। बर्तन में हम लोग तेल डाल चुके हैं, देखिए इधर सामने से। उसके बाद ये तेल गरम हो चुका है, तो इसमें हम लोग डालेंगे लवंग, इलायची, सहजीरा, गोलकी, दालचीनी डाल देते हैं इसमें।
स्टार्ट हुआ तो हम लोग इसमें तेज पत्ता डालना भूल गए थे, तो अभी हम लोग डाल दिए हैं। और ये अभी हो गया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे प्याज। उसके बाद ये प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम लोग डालेंगे गाजर और बीन्स। तो आप लोग देख सकते हैं इनको एक काम दिया गया है, लहसुन छीलने का, आधा घंटा से लहसुन छील रहे से धीरे धीरे छीलेंगे। चाकू से काट काट के लहसुन फिसल भी गिर जाता है, हम क्या करें, आप पकड़ते हैं फिर गिर जाता है इसी में पानी में, सबको फुला के रखे हैं, काट रहे हैं इसको। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे ये बीन्स है और ये है गाजर। अब इसको भी हम लोग को हल्का फ्राई करना होगा। गाजर हल्का सा ब्राउन हो गया है, इसको ज्यादा नहीं पकाना है, एकदम हल्का सा पकाना है। अब ये पक चुका है, अब इसमें हम लोग डालेंगे चावल। ये चावल है नाप के 3 गिलास है, तो ये चावल अब हम लोग यहाँ डाल देते हैं। चावल डालने के बाद इसको हल्का सा भूनना है। डाल चुके हैं और इसको हल्का सा हम लोग भून लेते हैं। हमारा चावल भून चुका है, अब इसमें हम लोग डालेंगे पानी। जैसे कि आप लोग को बताए थे कि इसमें 3 गिलास चावल है, तो 6 गिलास इसमें हम पहले से ही नाप के रखे हैं पानी, और इसमें गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं तो चावल खराब हो जाएगा। अब हम लोग पानी डाल देंगे, अब पानी डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार इसमें हम लोग डाल देते हैं नमक। अब इसमें नमक डाल दिए हैं, तो फिर नमक डाल देने के बाद इसमें हम टेस्ट के लिए डालेंगे थोड़ा सा काजू। तो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ डल चुका है, अब इसको हम लोग ढक के छोड़ देंगे, लेकिन बीच बीच में इसको चेक करते रहना है ताकि चावल चिपक के ना, है ना। चलो देखिए, देखिए आज हम दिखाते हैं प्याज कितना स्पीड काटते हैं हम। पूरा एकदम देखिए पतला पतला काट दिया, देखिए कितना पतला है, एकदम पतला काट दिया बारीक। तो गाइस हमारा पुलाव बन के रेडी हो चुका है, अभी देखते हैं कि पुलाव कैसा बना है ना, क्योंकि तो हम तो देखने के लिए ये है कि कैसा मेरा पुलाव बना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पुलाव बहुत ही अच्छा बन गया है। तो हमारा पुलाव तो रेडी हो चुका है, और इधर जो चिकन मैरिनेट करके रखे हैं वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो इधर हम प्याज पहले से डाल लिए थे, ये भी ब्राउन हो चुका है, चिकन को डालते हैं इसमें। इसको अच्छे से चला लेंगे,
अच्छे से भून लेते हैं। अब भूनने के बाद इसमें मसाला डालेंगे। तो चलिए आप लोग को चिकन बनने के बाद मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इधर हमारा पुलाव तो रेडी हो चुका था, अब इधर हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है। अब चलिए हम लोग इसको टेस्ट करके बताते हैं। हमको तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। कैमरा मैन से पूछते हैं कि मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको। तो चलिए अभी उनको देते हैं टेस्ट करने के लिए, उसके बाद देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहता है। तो हम इनको खाना दे चुके हैं, अब इनसे पूछते हैं कि चिकन और पुलाव का टेस्ट कैसा है। खा के बताइए कैसा बना है। गर्मा गर्म पुलाव और चिकन तो लीजिए, आप लोग भी ऑनलाइन ही खाइए, हम भी टेस्ट करके बताते हैं, आप लोग बताइएगा। यम्मी यम्मी लग रहा है। बहुत अच्छा बना है। चावल का भी देखिए, बहुत अच्छा, टूटा नहीं है। थोड़ा सामने से दिखा दीजिए, चावल एक भी नहीं टूटा है, बहुत अच्छा बना है। और चिकन का भी टेस्ट अच्छा है, पुलाव तो अच्छा है ही। थैंक यू सोनी बनाने के लिए। अगर आप लोग को पुलाव और चिकन का रेसिपी अच्छा लगा तो घर में ट्राई जरूर करिएगा, बहुत टेस्टी है दोस्त। अगर हम लोग का खाना बनाने का रेसिपी या हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लस जो भी आप लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं, सब कोई स्किप कर करके देख रहे हैं, प्लीज फुल टाइम देखिए, सारा रेसिपी देखिए और बताइए। थैंक यू।